आशीष, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली हम सब एक से ही हैं, समझ रहे हो ना। एनाटॉमिकली मीन्स शरीर की जो रचना है, जो शरीर बना होता है वो सबका एक सा होता है। सबके अंदर बोन्स हों, इंटरनल ऑर्गन्स हों, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हों, सब एक से होते हैं। फिजियोलॉजिकली मतलब जो शरीर की जो स्वस्थ अवस्था है, उसके जो गुणधर्म है, वो सबके लगभग एक से ही वर्क करते हैं। बट कुछ जो प्लेयर बनना चाहते हैं वो अपने आप को डिफरेंट बनाते हैं। तो क्रिकेट में क्या इंपॉर्टेंट है, बायोमैकेनिक्स है ना। इट्स ए स्टडी ऑफ फोर्सेस विच एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फोर्सेस। सो यू कैनॉट कंप्रोमाइज विद बायोमैकेनिक्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज द राइट बोलिंग एक्शन, वेयर यू हैव टू डिलीवर द बॉल रेगुलरली अनरिलेंटेडली, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रयास करने होते हैं मेरे भाई आशीष। आप झांसी से आए हैं, सुबह आप यहाँ 4 बजे पहुँचे, रात को 12 बजे वहाँ से चले हैं। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ जस्टिफाई योर बोलिंग। एवरी बॉडी कैन यू नो अचीव हिज अल्टीमेट गोल्स एंड अल्टीमेट टारगेट्स, बट इट्स योर एटीट्यूड विच मेक्स यू प्लेयर्स, इट्स नॉट योर एप्टीट्यूड। प्लीज़ जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, जस्ट रिमेन इन टू द स्टम्प्स। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड काइंड एडवाइस टू यू ऑल्सो। प्लीज़ टेक केयर, ट्राई टू बोल इन टू द स्टम्प्स। यू आर अ गुड बोलर, यू हैव गॉट वेरी गुड बोलिंग एक्शन, बट स्लाइटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायोमैकेनिज्म एंड वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।